ब्रॉट टू यू बाय टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हम लोग गुजरात के गांधीनगर में हैं, जो कि चुनाव क्षेत्र है देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह का, जो कि आज हमारे साथ आज तक और इंडिया टुडे पे खास मेहमान है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने अपने चुनाव क्षेत्र में एक बड़ी रैली की, रोड शो किया, काफी लोग आए। मैं जानना चाहता हूं शुरुआत में अमित जी कि आपने 2014 और 2019 दोनों का चुनाव देखा, ये जो मोदी जी का तीसरा चुनाव है, अब तक जो आपने दो चुनाव लड़े और लड़ाए हैं, उसमें और इसमें आप क्या फर्क पाते हैं, कैसे अलग है? देखिए राहुल जी, पहली बार आजादी के बाद देश में एक ऐसा नेता जनता के सामने आया है जिसके पास 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी है और 25 साल का एजेंडा है। 10 साल में मोदी जी ने सबसे बड़ा अगर डेमोक्रेसी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया है तो राजनेताओं के वादों पर जनता का भरोसा कायम करने का काम किया है। पहले प्राय जनता मान चुकी थी कि चुनाव के वक्त राजनेता बोलते हैं, अब छोड़ो भाई क्या हिसाब पूछना है, तो बोलते हैं चुनाव। मगर आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं और रिकॉर्ड के आधार पर कह सकता हूं, 14 से 24 में भारतीय जनता पार्टी के सारे वादे हम समाप्त कर 24 में मैंडेट मांगने के लिए जा रहे हैं। ये 10 साल में देश को भ्रष्टाचार की गर्त से बाहर निकालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने, 30 साल के अस्थिरता के शासन के अंदर जो सरकारें बनी मिलीजुली, उस वक्त भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा और यूपीए की 10 साल की सरकार ने तो सारी हदें ही पार कर दी। 12 लाख करोड़ के घपे घोटाले भ्रष्टाचार हुई। 10 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, 23 साल से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं, हमारे विरोधी भी 25 पैसे का आरोप नरेंद्र मोदी पर नहीं लगा पाए। इसके साथ साथ देश के 80 करोड़ गरीबों को पहली बार आत्मविश्वास आया है कि चुनाव में मेरे स्टेक है। पहले इनकी गेस्ट आर्टिस्ट की भूमिका होती थी, इनके स्टेक नहीं होते थे। आज उसको घर मिल रहा है, बिजली मिली है, घर में पानी मिला है, शौचालय मिला है, गरीब को 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, 5 लाख तक की सारी सुविधाएं मिल रही है, नल से जल मिल गया है। इसके मन में एक आशा का संचार हुआ है कि चुनाव मेरे लिए भी सार्थक प्रक्रिया हो सकती है और पूरी 80 करोड़ गरीबों की एक बहुत बड़ी जाति नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ गई। तो इस चुनाव में देश की जनता, मोदी जी ने जो कहा था जब देश की आजादी के 100 साल होंगे तब ये देश पूर्ण विकसित होगा, आत्मनिर्भर होगा और महान भारत बनकर रहेगा, देश की जनता ये नींव डालने के लिए 2024 के चुनाव में मोदी जी को 14-19 से बड़े बहुमत के साथ जिताने के लिए तैयार बैठी। दुनिया के बाकी देशों में जो बड़े लोकप्रिय नेता थे, टोनी ब्लेयर हो, मार्गरेट थैचर हो, जब उनके 10 साल पूरे हुए तब तक काफी एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ बन गई और उनके लिए उनका तीसरा चुनाव काफी मुश्किल था। क्या आप मानते हैं कि लाजमी तौर पे दो बार सरकार में रहने के बाद एक लेवल की एक एंटी इनकम्बेंसी बनती है जो 2019 में शायद नहीं थी, जैसे प्राइस राइज हो, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार या कीमतों का मुद्दा हो, वहां पे थोड़ी सुगबुगाहट है समाज में जो कि 5 साल पहले शायद नहीं? देखिए, सुगबुगाहट और रोष दो चीजें अलग होती है। आज सिर्फ मोदी का नाम लेने से जनता की बाहें खिल जाती हैं। मैंने अनुभव किया है, चाहे पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, अटूट भरोसा मैंने नरेंद्र मोदी के वचन पर, इसकी गारंटी पर जनता का देखा है। कहीं पर कोई दूर दूर तक दूरबीन लेकर भी एंटी इनकम्बेंसी नजर नहीं आ रही है। पूरा देश एक मुस्त होकर मोदी जी को फिर से चुनने के लिए तैयार है। मैं आपको बताता हूं, 14 में हम 272 थे, 19 में 300 हुए, इस बार हम 370 पार करेंगे, एनडीए 400 पार करेंगे।
क्या आप ये मानेंगे कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता आपके स्थानीय एमपी से बहुत ज्यादा है? एक टाइम था जब भारत की क्रिकेट टीम की पूरी निर्भरता सचिन तेंदुलकर पे थी कि जब तक तेंदुलकर है तब तक इंडिया जीत रही है। ऐसा है राहुल भाई, आपका इवोल्यूशन खराब हो जाएगा। क्रिकेट की इस देश की गंभीर राजनीति से कभी तुलना नहीं करते है भाई। हमेशा नेता एक ही होता है, पार्टी की आइडियोलॉजी और पार्टी के विजन के जमीन पर उतारने का काम नेतृत्व का होता है। नरेंद्र मोदी जी हमारे पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं से उठकर इस देश के विश्व के इतने बड़े नेता बने हैं। नेता के नेतृत्व में ही पार्टी अपने वादों को पूरा करती है, नेता के नेतृत्व से ही पार्टी अपने आइडियोलॉजी में उचित बदलाव करती है, नेता के नेतृत्व में ही पार्टी अपने लक्ष्य तय करती है। और जब नेता लक्ष्य तय करता है, नेता आइडियोलॉजी की व्याख्या करता है, इसके साथ बाकी सारे लोग। आप कह रहे हैं कि हमने जो कहा वो किया, ऐसे में भाजपा का संकल्प पत्र बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि जो आप कह रहे हो अगर आपकी सरकार बनती है तो उसका आंकलन करने की जरूरत है। इस दफा आपने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा। मैं जानना चाहता हूं कि जैसे आपने उत्तराखंड से स्टार्ट किया, आप स्टेट बाय स्टेट जाएंगे या अगर आपकी फिर से सरकार बनती है तो एक नेशनल प्रोजेक्ट के तौर पर पार्लियामेंट में एक बिल लेके आए? पहले एक बात समझ लीजिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव है। जब संविधान की रचना हो रही थी, हमारे संविधान निर्माताओं ने इस पर डिटेल बहस की और उस वक्त उन्होंने ये तो स्वीकारा कि देश के अंदर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, परंतु उस वक्त उचित समय नहीं लगा। तो अनुच्छेद 44 में संविधान के भाग 4 यानी डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंदर इन्होंने देश के विधानमंडल और संसद को कहा है कि उचित समय पर पूरे देश के सभी नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड प्राप्त करने का यह देश प्रयास करेगा। अब मैं ये वादा देश की संविधान सभा का, देश के संविधान का देश को है और एक गाइडेंस भी है एक प्रकार से। कांग्रेस उससे वोट बैंक के कारण बिखर रही है कि नहीं होना चाहिए। भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई तब से हम कहते हैं कि इस देश में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। सारे डेमोक्रेटिक कंट्री में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, भारत में भी होना चाहिए और अब समय आ गया है कि पूरे भारत के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। दूसरा सवाल आपका कि कैसे होगा, अभी उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंट्रोड्यूस किया है। इसकी सोशल, जुडिशियल और पार्लियामेंट्री दृष्टि से भी एक स्क्रूटिनी होनी है, इस पर बहस होनी है। हमने हमारे घोषणा पत्र में संकल्प भी रखा है तो इसके बाद तुरंत बहस चालू होगी। परंतु भारतीय जनता पार्टी फमली मानती है, रास्ता जो होगा वो होगा, हम देश में पूर्णतया यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे। और आपके विरोधी बोलेंगे कि आप ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, आप पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आप यूसीसी लेके आए हैं। राहुल भाई, विरोधियों का दलील आप मेरे सामने रख रहे हो, मुझे समझाओ जरा, ध्रुवीकरण कैसे होता है? एक पंथ निरपेक्ष देश के अंदर सभी पंथ के अनुयायियों के लिए एक कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यही तो पंथ निरपेक्षता की सबसे बड़ी लक्षण है। कांग्रेस ध्रुवीकरण से नहीं डरती है, तुष्टीकरण कर बचा खुचा जो उनका वोट बैंक बचा है उसको कंसोलिडेट करना चाहती है। क्या देश आज सरिया के आधार पर चलना चाहिए, पर्सनल लॉ के आधार पर चलना चाहिए? कभी नहीं चला है देश। दुनिया के किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर पर्सनल लॉज नहीं है। क्यों भारत में? क्योंकि आपको वोट चाहिए। कई मुस्लिम कंट्रीज भी सरिया के अनुसार नहीं चलते, आगे निकल गया जमाना, अब भारत ने भी आगे बढ़ना पड़ेगा। सर, आपका दूसरा वादा है वन नेशन वन इलेक्शन का, क्या यह माना जाए कि अगला जो लोकसभा चुनाव है 2029 का वो वन नेशन वन इलेक्शन के साथ होगा? कि इंप्लीमेंट कैसे करेंगे इसको? देखिए, मैं आपको बताता हूं, वन नेशन वन इलेक्शन कोई नया विचार नहीं है। ये देश में दो दशकों तक वन नेशन वन इलेक्शन चला है।
57 के चुनाव में 7 विधानसभा के चुनाव अलग थे, तो सर्कुलर कर चुनाव आयोग ने प्रीपोन्ड कराकर एक साथ कर लिए थे। ये कोई नई बात नहीं है, ये तो गड़बड़ कहां हुई। 71 में इंदिरा जी ने मध्यावधि चुनाव आमंत्रित कर दिया तो सारे चुनाव के कार्यक्रम मिसमैच हो गए। देश की जनता को तय करना है कि हम कह रहे हैं कि इस देश में सारी विधानसभाओं के और लोकसभा के चुनाव एक साथ होना चाहिए। मोदी जी की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने एक कमेटी बनाई, तत्कालीन राष्ट्रपति हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति कोविंद साहब की अध्यक्षता में कमेटी ने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट की सिफारिश है कि इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। ढेर सारे लोगों से, पॉलिटिकल पार्टियों को कंसल्ट किया, लगभग 47 राजनीतिक दलों को कंसल्ट किया गया, सिर्फ 15 ने विरोध किया, 32 ने कहा कि करना चाहिए। ढेर सारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों को कंसल्ट किया गया, कानूनविदों को कंसल्टेट किए, कई गवर्नर, एक्स गवर्नर आकर मिले हैं, कई अर्थशास्त्री आकर मिले हैं। इन्होंने कहा है कि देश में एक इलेक्टोरल रोल होना चाहिए, एक साथ चुनाव होना चाहिए और चुनाव 5 साल होने के बाद बाकी के 5 साल देश के विकास में ही लगाना चाहिए। रोज चुनाव कर देश का फायदा नहीं। पर आपके विरोधी कहेंगे कि आप चूंकि सेंट्रली पावरफुल हैं, क्योंकि आपका केंद्र नेतृत्व मजबूत है, इसलिए आप लोकल इलेक्शंस को भी नेशनलाइज करना चाहते हैं कि वो मोदी जी या जो भी सेंट्रल लीडरशिप है उसकी छत्रछाया में आप लोकल इश्यूज को भी एक कर लें। बिल्कुल बेतुकी आर्ग्यूमेंट है। 14 और 19 में कई राज्य ऐसे हैं जिसमें लोकसभा में हमें 15% वोट ज्यादा मिला, विधानसभा में नहीं मिला है। क्या इस देश की जनता को आप इतना अंडर एस्टिमेट कर रहे हो? बेवकूफ है जनता, शीर नीर करना चाहती है। मैं कांग्रेस वालों को कहता हूं, 7 महीने अलग आपकी तो कोई जगह ही नहीं, काहे को विरोध कर रहे हो भाई? आपके लिए स्पेस ही नहीं बचा है, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, इतना बड़ा सुधार क्यों रोक रहे हो भाई? इस देश में कई बार मानो राजीव गांधी जी को पूरा बहुमत मिला, मॉरल ग्राउंड पर हेगड़े साहब ने इस्तीफा दे दिया, 28 की 28 सीटें कांग्रेस स्वीप कर गई, कांग्रेस हेगड़े साहब ने इस्तीफा दे दिया, फिर असेंबली का चुनाव आया, फिर हेगड़े स्वीप कर गए। जनता को मालूम है ऊपर किसको वोट देना है, नीचे किसको वोट देना है, 2 बैलेट बॉक्स अलग होंगे, 2 जगह अलग प्रत्याशी होंगे, 2 जगह अलग प्रकार की चुनाव घोषणा पत्र होगा, कैसे कंफ्यूजन होता है? सिर्फ चुनाव का खर्चा, आचार संहिता के कारण विकास के कामों में बाधा और जनता का समय व्यय न हो और इतना खर्चीला चुनाव होता जाता है। मुझे लगता है कि सार्वजनिक जीवन में हमने इस पर कभी न कभी चिंता करनी चाहिए। तो 29 का चुनाव होगा, वन नेशन वन इलेक्शन, हमने तो हमारे घोषणा पत्र में रखा है। हम जरूर चाहेंगे कि देश वन नेशन वन इलेक्शन में आए, इस देश में यूसीसी आए। सर, आपके घोषणा पत्र में क्या है वो तो अहम है, ये भी अहम है कि क्या नहीं है। जैसे कि नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सिटीजंस NRC जो है वो इस बार आपने मेंशन नहीं की, तो उसकी चूंकि वो मेंशन नहीं है उसको देख के मैं सोच रहा हूं कि क्या सोच रहे हैं आप NRC के बारे में। देखिए, अभी हमने CA लाया है, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि CA को अच्छे तरीके से देश में इम्प्लीमेंट किया जाए और जो करोड़ों शरणार्थी हिंदू, बौद्ध, सिख, क्रिश्चियन पड़ोसी देशों से आए हैं, धार्मिक प्रताड़ना को सहन कर वो सभी को नागरिकता दी जाए, सम्मान दी जाए, उनको देश में सेटल कर दिया जाए। ये प्रक्रिया बहुत लंबी प्रक्रिया है, ये होगी, इस पर बाद में बहस होगी। अभी एजेंडा नहीं है, 5 साल में एजेंडा हमारे घोषणा पत्र में अभी नहीं। सर, इस बात पर बड़ी बहस चल रही है कि बीजेपी बार बार 370 सीटों का जिक्र क्यों कर रही है। कुछ आपके जो प्रत्याशी हैं उन्होंने बातें भी ऐसी बोली कि अगर हमें 370 आ गए तो संविधान बदलने की जरूरत है क्योंकि हम कुछ करना चाहते हैं। आप देश के गृह मंत्री हैं, बीजेपी के अहम स्ट्रेटेजिस्ट हैं, ये जो सवाल उठता है कि अगर इतना बड़ा बहुमत आ गया तो क्या बीजेपी कुछ संविधान? आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हो भाई, राहुल जी के सवाल मुझ पर ऐसे सीधे लॉन्च कर देते हो। 10 साल से हमारे पास बहुमत है या नहीं? 2014 में हमारे पास 272 सीटें थी, अभी 300 सीटें हैं और दोनों बार NDA मिलाकर संविधान बदलने का भी ताकत है। हमने हमारे बहुमत का उपयोग 370 हटाने में किया, CAA लाने में किया, ट्रिपल तलाक समाप्त करने में किया है,
हमने एक कांग्रेस जो प्रचिन्न रूप से कहना चाहती है कि हम आरक्षण हटा देंगे, इसके लिए हमने उपयोग नहीं किया है, न करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का वादा है न हम आरक्षण हटाएंगे, न कांग्रेस हटाना चाहती है तो न हटाने देंगे। वो कहते हैं कि शायद सेक्युलर शब्द भी आप हटा सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। भाई ऐसा है, सेक्युलर शब्द हटाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। इस देश को पंथ निरपेक्ष बनाने का सबसे बड़ा आग्रह भारतीय जनता पार्टी का है, इसीलिए तो हम यूसीसी ला रहे हैं। वो सरिया के आधार पर देश चलाने का कह रहे हैं, उनको जरा सेक्युलर बनने की जरूरत है, हमें नहीं है। हम तो कह रहे हैं इस देश के कानून धर्म के आधार पर होना चाहिए। और देखिए कितने सिलेक्टिव है, यूसीसी चाहिए किस चीज में चाहिए, चार शादी करने के लिए चाहिए। तो अगर पर्सनल लॉ लाना है, सरिया के आधार पर चलना है, तो चोरी के लिए हाथ काटना क्यों एक्सेप्ट नहीं है भाई आपको? देशद्रोह के लिए ऊंट की चमड़ी के साथ सिलकर देश भर में पत्थर मारकर मारने की सजा क्यों आपको? अगर लाना है तो पूरा लाओ, हिम्मत नहीं है इनमें। ये क्या हमें पंथ निरपेक्षता सिखाएंगे? जो पार्टी पर्सनल लॉ की बात करती है, अपने घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ को लाने की बात करती है, वो पंथ निरपेक्ष मानी जाएगी क्या? आपकी जिम्मेदारी है कांग्रेस पार्टी को पूछने की कि क्या पंथ निरपेक्षता है आप? मुस्लिम पर्सनल लॉ के आधार पर आप देश को चलाना चाहते हैं? हम कह रहे हैं कि इस देश में पंथ निरपेक्षता होनी चाहिए, यूसीसी होना चाहिए। सर बार बार पीएम बोल रहे हैं कि बड़े फैसले लिए जाएंगे जब हमारी सरकार आएगी, बड़े उसके बाद अब सब सोच रहे हैं कि बड़ा फैसला जो आपने अनाउंस कर दिया वो तो ठीक है, उसके अलावा आप हमारे दर्शकों को क्या बता सकते हैं किस तरह के बड़े फैसले आपके जहन में? देखिए बड़े फैसले मोदी जी ने लेने के कहा नहीं है, लिया है। मोदी जी ने जीएसटी लाया, मोदी जी ने 370 हटाया, मोदी जी के समय में ही राम जन्मभूमि बना, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, मोदी जी ने ट्रिपल तलाक हटाया, मोदी जी ने वन रैंक वन पेंशन लाया, मोदी जी ने अपसपा होते हुए भी उठाने का निर्णय किया, मोदी जी ने ही इस देश के अंदर नोटबंदी की, मोदी जी ने ही इस देश के अंदर लॉकडाउन लगाकर देश को कोरोना से बचाया, ढेर सारे बड़े फैसले लिए। आगे क्या लेंगे, ये तो पीछे के नहीं, आगे फैसले हमने हमारे घोषणा पत्र में दिखाई है कि हम यूसीसी लाएंगे, देश को तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाएंगे, वन नेशन वन इलेक्शन लाएंगे, 5 साल तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाएगा, 70 साल के हर बुजुर्ग को दवाइयों के खर्चे से हम मुक्त कर देंगे, 3 करोड़ नए घर बनाएंगे, झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले हर परिवार को घर देने का हमने वादा किया है, उज्ज्वला का कनेक्शन दे दिया, अब हर घर में पाइप से गैस पहुंचाना है, बाकी बचे हुए घरों में नल से जल पहुंचाना है, हर घर पर पीएम सूर्य घर योजना लागू कर उसको अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल से मुक्त कराना है, और 3 करोड़ गरीब महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है। ये कोई छोटी चीजें नहीं है। कांग्रेस पार्टी 70 साल में इतना नहीं कर पाई जो हमने 5 साल का वादा किया है, और हमने जो 10 साल में किया है वो कांग्रेस पार्टी 55 साल में नहीं कर पाई। इन्होंने सिर्फ गरीबी हटाने का नारा दिया, मोदी जी ने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का। बीजेपी के 3 आइडियोलॉजिकल बिंदु थे जो कि कई सालों से मैनिफेस्टो में थे, यूसीसी, आर्टिकल 370 और राम मंदिर। 2 हो चुके हैं, तीसरा आप कह रहे हो कि आप कर दोगे, क्या आपको लगता है उसके बाद जो एक आइडियोलॉजिकल डिफ्रेंसिएशन बीजेपी का था कि हमारा ये आइडियोलॉजी है, ये हमारे वायदे हैं, क्योंकि वो वायदे ही आपने पूरे कर दिए? नहीं, हमारा सबसे बड़ा वायदा तो महान भारत की रचना का है, सबसे बड़ा वायदा ही है, मगर आपको वही बड़ा दिखता है जिससे कंट्रोवर्सी खड़ी हो, टीआरपी बढ़े। सबसे बड़ा काम महान भारत की रचना का है, जो मोदी जी ने कहा है कि 2047 में जब आजादी समाप्त हो, शताब्दी आजादी की मनाई जाएगी, आजादी की शताब्दी समाप्त होने के पहले हर क्षेत्र में पूरे विश्व में भारत नंबर वन होगा, ऐसे भारत की रचना 130 करोड़ लोगों का आज संकल्प भी है, स्वप्न भी है और पुरुषार्थ का रास्ता भी है। जैसे काशी और मथुरा में जो विवाद है, जिस तरीके से अयोध्या में आपने सुलझाया, क्या काशी और मथुरा में भी भव्य मंदिर का निर्माण हो, ये आपके लिए प्राथमिकता रहेगी? देखिए कुछ लोग कोर्ट में गए हैं,
कोर्ट को इसका फैसला करना है, पार्टी के लिए आइडियोलॉजिकल प्रायोरिटी नहीं है। नहीं नहीं, कोर्ट में मामला है भाई, पार्टी की प्रायोरिटी क्या काम में आ सकती है। हमारी प्रायोरिटी राम मंदिर भी था, जब सॉल्यूशन आया तो हमने फट से बना दिया। जब यहां सॉल्यूशन आएगा तब उसके बाद आप देखेंगे, उससे पहले कोई आंदोलन की बात नहीं है। नहीं, आंदोलन की किसी ने बात की ही नहीं, आपके दिमाग में ही है खाली। सर, अगर हम भाजपा के संकल्प पत्र और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को, अरे यार ऐसी कंपेरिजन मत, हमारा संकल्प पत्र होता है, उनका घोषणा पत्र होता है, दोनों में बड़ा शब्दों में ही बड़ा अंतर है। कांग्रेस कहती है कि हम राइट टू अप्रेंटिसशिप लॉ लेके आएंगे, हम जॉब्स में रिजर्वेशन देंगे, और साथ ही साथ हमारी कोशिश यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट, जिस पर कि उनका कहना है कि बीजेपी का उतना फोकस नहीं है, उस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर एक्शन होना चाहिए। वो कहते हैं कि बीजेपी जॉब्स और अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे को सीरियसली नहीं लेती। भाई ऐसा है, 10 साल में क्या किया वो हिसाब दे दे पहले, चलिए आगे का तो जाने दो, दादा दादी का, नाना का, ये सब जाने दीजिए। 10 साल में क्या किया, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, देश के अर्थतंत्र का भट्ठा बिठा दिया, 12 लाख करोड़ का घपला घोटाला भ्रष्टाचार किया, आंतरिक सुरक्षा छिन्न भिन्न कर दी, देश की सीमाओं को असुरक्षित कर दिया, आतंकवाद चरम सीमा पर था, नक्सलवाद चरम सीमा पर था, देश की जनता को विश्वास ही नहीं था कि कोई सरकार देश में चल रही है। कौन इनके वादे पर भरोसा करेगा राहुल? सर, पिछली दफा जब आपसे चर्चा हुई थी तब बीजेडी और बीजेपी के अलायंस को लेकर चर्चा हो रही थी, आपने कहा आगे चल के देखेंगे। आखिरकार पार्टी ने क्यों यह फैसला किया कि नवीन पटनायक की पार्टी से उड़ीसा में हमें अलायंस नहीं चाहिए? देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं की एक स्टॉन्च राय थी कि उड़िया भाषा, उड़िया कल्चर और उड़ीसा राज्य के प्राइड के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अलग से लड़ना चाहिए। ये हमारे कार्यकर्ताओं का और मैं मानता हूं कमोबेश उड़ीसा की जनता का बड़ा स्ट्रॉन्च राय था, तो हमने इस राय पर आगे बढ़े हैं। हम उड़ीसा की जनता को विनम्र प्रार्थना करते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में उड़ीसा के विकास का भी हमें जिम्मेदारी दें, और देश भर में जहां जहां मोदी जी ने विजय प्राप्त करी है वहां विकास की स्पीड रात दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ी है, उड़ीसा में भी बढ़ी। पर क्या आप मानेंगे जो मिक्स सिग्नलिंग गई, कंफ्यूज मैसेजिंग था कि लड़ रहे हैं या साथ में, इससे उड़ीसा की जनता अब थोड़ी कंफ्यूज हो गई कि ये वाकई में लड़ते हैं या पीछे इनकी कोई? अब कहां वाकई में लड़ते, पीछे पीछे का सवाल है भैया, पर्चे डाल दिए सामने, चुनाव लड़ रहे हैं हम, नवीन बाबू के सामने हम लड़ रहे हैं, हमारे सामने वो लड़ रहे हैं, अब कहां कंफ्यूजन रहा? पर मिक्स मैसेजिंग गई उड़ीसा के वोटर्स? नहीं, वो आपके दिमाग के अलावा कहीं मिक्स मैसेजिंग नहीं है, सब जगह क्लियर की सामने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। सर, महाराष्ट्र आते हैं, आपको लगता है कि महाराष्ट्र में कुछ हद तक सिंपति जो ओरिजिनल पार्टी थी, शरद पवार की हो या उद्धव ठाकरे की हो, ऐसे में महाराष्ट्र सबसे कंफ्यूज्ड और कंफ्यूजिंग स्टेट है कि आखिरकार वहां पे अलग अलग फेजेस में किसको और कितना? देश को स्टेटों के मामले में बांटकर मत लिखिए, देश की जनता परिवारवाद को रिजेक्ट कर चुकी है, आप मेरी बात मान कर चुकी। देश के युवाओं को अपनी जगह चाहिए राजनीति में, देश के मेरिट्स वाले युवाओं को जगह चाहिए, जन्म किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है, स्किल बढ़ाना, पढ़ना, अभ्यास करना, फैसले लेना और पुरुषार्थ करना किसी व्यक्ति के हाथ में होता है, जन्म तो ईश्वर तय करता है, नियति तय करती है, इसके आधार पर अगर व्यक्तियों को बड़ा और छोटा बनाना है, ये व्यवस्था अलोकतांत्रिक है और देश की जनता इसको रिजेक्ट कर चुकी है, और हम पर आरोप लगाते कि हमने उनकी पार्टी तोड़ी। मुझे एक बात बताओ, अपने बेटे की जगह उद्धव जी एकनाथ जी को पसंद करते थे, पार्टी टूटती क्या? बेटी की जगह अगर अजीत पवार जी को पसंद करते तो पार्टी टूटती क्या? अपने बेटे बेटियों के कारण उन्होंने अपनी खुद की पार्टी तोड़ी है और आरोप हम पर लगा रहे हैं, भाई जिसका राइट था उसको दे देते। पर सर, आरोप तो ये भी लगता है कि इसमें जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उसका सरकार बेजा इस्तेमाल करती है कि जब कोई विपक्ष में होता है तो कहा जाता है कि 70,000 करोड़ रुपए का इरिगेशन घोटाला किया अजीत पवार ने, जब वो आपके अलायंस में आ जाते हैं तब उनसे कोई पूछताछ भी नहीं होती है। देखिए, अभी भी मैं फिर से रिकॉर्ड पर कहना चाहता हूं, मीडिया में एक बार आने के बाद हमने एक भी केस बंद नहीं किया है किसी का।
हाल ही में वो इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट आई कि 25 जो नेता विपक्ष के थे आपके साथ जुड़े 23 में केस बन। आप तय तक जाए ना, आप भी तो खोजी पत्रकार हो, तय तक जाइए। मैं आपको स्टेटमेंट करता हूं कि एक भी केस हमने बन। पर सर उसका दूसरा यह है कि उस तरीके से एक्टिवली आपने परसू भी तो नहीं किया, जैसे जब अगर वो विपक्ष में है तो हर रोज ईडी का समन आ रहा है। चार्जशीट कोर्ट के सामने है, कोर्ट को अब केस चलाना है, परसू क्या करना है? कोर्ट हमारे कहने से नहीं चलती है। तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी तो उस जोश से नहीं लड़ती जब विपक्ष में होता है। समन ऐसा आप मानते हो? ऐसा आप मानते हो? ये तो राहुल जी और सोनिया पर जी पर केस है, वो भी कहां चल रहा है? चिदंबरम साहब पर केस है, वो भी कहां चल रहा है? वो क्या हमारे में आ गए है क्या? 9 साल हो गए राहुल सोनिया पर केस हुए। वो कौन सा ट्रस्ट था उनका, कोई अखबार का घोटाला था? नहीं, राजीव गांधी नेशनल हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड वाला। चिदंबरम साहब पर केस हुए कितने साल हो गए? कोर्ट में पड़े हैं, हमने हमारा काम कर दिया है। तो आप कह रहे हैं जैसे प्रफुल्ल पटेल, तुम कहते हैं तो फास्ट करा देते हैं, कोर्ट को रिक्वेस्ट डालते हैं, फिर कहेंगे कि विंडिक्टिव अप्रोच है। नेचुरल कोर्स में कोर्ट आ गए, राहुल स्टेटमेंट कर दे, चलो रिक्वेस्ट करो एज अ सिटीजन, तो हम फास्ट करा। मैं चाहूंगा कि सब केसेस में, वो ये नहीं कि वो बीजेपी में हो, अलायंस हो, ऐसा है बेजा प्रायोरिटी आइदर और साइड से आप देना भी ठीक नहीं है। आम नागरिक का केस भी महत्वपूर्ण होता है, हमारे साथ नहीं आए इसके भी इसी स्पीड से चल रहे हैं। मगर चीजों को सेंसेशनलाइज करना और चुनाव के वक्त करना, ये ठीक नहीं। सर हाल ही में पश्चिम बंगाल में अभिषेक बैनर्जी की तृणमूल में है, राहुल गांधी ने कहा कि ये जो इलेक्शन कमीशन वाले हैं बार बार हमारा चॉपर चेक कर रहे हैं, कैश ढूंढ रहे हैं, ये उनका कहना है कि बीजेपी नेताओं के साथ नहीं होता ये। राजनाथ सिंह जी का अभी चॉपर चेक हुआ, इसमें क्या है भी? और क्यों डरना चाहिए? आपको लग रहा है वो डर रहे हैं? आपको लग रहा है कि अभिषेक बैनर्जी राहुल गांधी डर रहे हैं, या उनको लग रहा है कि ईसी उन पे ज्यादा कार्रवाई कर रही है? इससे सिंपति नहीं मिलती है भाई, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, चुनाव आयोग हमारे यहाँ स्वतंत्र है, वो जांच कर सकता है, क्यों विरोध करना चाहिए? कल को मेरी गाड़ी की अभी कोई जांच करेगा, मैं क्या कर सकता हूँ? उतर कर कोऑपरेट करना। पर आप तो होम मिनिस्टर हैं, आप किसकी हिम्मत होगी आपको रोक के वो चेक? ऐसा नहीं है, राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री और अभी हुआ चेक, ऐसे नहीं होता है भाई। मगर हर चीज में रुक जाना, हर चीज में कंप्लेन करना कि देखो देखो, कल मैंने कांग्रेस की एक बड़ी नेत्री का इंदिरा जी को गाली बोल रहे हैं, तो भाई आप मोदी जी को तो मर जाने का बोल रहे हो, नीच जाति का बोल रहे हो, कितना गंदा बोल रहे हो, रावण हिटलर कुछ नहीं छोड़ा आपने, हमने तो कभी कंप्लेन नहीं की, हम तो जनता के पास गए। और गांधी परिवार में जन्म लेने से क्रिटिसिज्म से ऊपर हो जाते हैं क्या? ये मानसिकता डेमोक्रेटिक नहीं। सर मैं आना चाहता हूं पश्चिम बंगाल, जहां पर इस वक्त एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है। संदेश खली के बाद बीजेपी बहुत आक्रामक रूप में है, और ममता बैनर्जी भी जो भी वो कर सकती है, मतलब वो ऐसा नहीं कि लड़ नहीं रही, जितना लड़ भिड़ सकती है वो भी लड़ भिड़ रही है। पश्चिम बंगाल के चुनाव को आप इस वक्त कैसे देखते? देखिए पश्चिम बंगाल में हमारी 30 से ज्यादा सीटें आएगी, 35 तक हम जा सकते हैं। आपको लगता है इतनी आएंगी? आपके खुद के पश्चिम बंगाल के नेता तो थोड़ा कम ही करके बता रहे हैं, वो इतना हाई टारगेट नहीं चाहते हैं आपसे, उनको लग रहा है बहुत टारगेट ज्यादा दे। मैं भी पश्चिम बंगाल को अच्छे तरीके से जानता हूँ, 8 साल से पश्चिम बंगाल पर बहुत डिटेल काम कर रहा हूँ भैया। हमारी 30 सीटें आएगी, हम 35 तक जा सकते हैं, और बड़ी गंभीरता से संजीदगी के साथ इतने बड़े चैनल को मैं बता रहा हूँ। 30 से 35 सीटें आपको लग रहा है कि आज तो फिर तो ममता बनर्जी सिमट जाएंगी, मतलब कम हो जाएगा बहुत? कोई सिमटता नहीं है, हम बड़े हो जाएंगे, चुनाव में हार जीत होती रहती है भाई। आप सबसे मुश्किल किस राज्य को इस वक्त मानते हैं, जहां पे आपको लगता है कि जैसी आपको पहले उम्मीद थी शायद अब परिस्थिति ऐसी नहीं है? क्या आपको लगता है कि तेलंगाना का चुनाव पहले से मुश्किल हो गया? क्योंकि कमोबेश हर जगह हमारे वोट प्रतिशत बढ़ेंगे, और जहां स्पेस बचा है, जहां 100% मानो गुजरात, राजस्थान, हिमाचल, दिल्ली, 100% ही क्या बढ़ोतरी हो सकती है, तो मार्जिन ही बढ़ सकता है। मुझे लगता है सब जगह हमारी सीटें भी बढ़ेगी, मार्जिन भी बढ़ेगी।
सर, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही, क्योंकि बीजेपी को ये लगता है कि ये नाक में बहुत दम करते हैं, परेशान करते हैं, इसलिए इनको एक बार खत्म ही कर दो, ऐसा आरोप आप पर लगा। ऐसा है भाई, संसद में उनका एक सीट है, तो खत्म करने की प्रायोरिटी में एक सीट आएगी या 44 सीट आएगी? ऐसी कोई प्राइड, कोई किसी को डेमोक्रेसी में खत्म नहीं कर सकता। आप आपके करप्शन को छुपाने के लिए क्यों इस प्रकार का सिंपथी गेन करने का नहीं होता है? केजरीवाल जी को मालूम नहीं है, एक्सपोज हो चुके हो शराब कांड में, दिल्ली की जनता जान चुकी है। क्या खत्म करना है भाई, किसको खत्म करना है? हम हमारी पार्टी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, किसी को खत्म करने की जरूरत नहीं है। सर, पर तहकीकात में यह भी निकल के आ रहा है कि जिस बयान पर ईडी अपना दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ केस बेस कर रही है, वो एक ऐसे आरोपी के बयान पे बेस्ड है जो कि पहले खिलाफ बोल रहा था लेकिन अब अप्रूवर बन चुका है। आप मुझे आपका सोर्स आर्ट पार्टी के अलावे हो तो बताओ, मैं जवाब दे दूं। नहीं, मैं तो इलेक्टोरल बॉन्ड देख के बता रहा हूं कि वो शरद रेड्डी जो है, जो कि अरबिंदो फार्मा के हैं, वो पहले सब पार्टियों को बॉन्ड्स के जरिए फंडिंग कर रहे थे, फिर उनपे जो भी हुआ वो अप्रूवर बन गए, अप्रूवर के बाद वो जो बॉन्ड खरीदते हैं केवल बीजेपी का। अगर इन तीनों चीजों को जोड़ दिया जाता है तो सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा प्रेशर पड़ा कि वो अप्रूवर बन गए, उसके बाद सारी फंडिंग केवल बीजेपी को की? फंडिंग का इससे कोई लेन देन नहीं है, ये बॉन्ड उनके मध्य प्रदेश यूनिट ने, मेरे पास जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन मध्य प्रदेश यूनिट ने दिए हैं और रूटीन में दिए, ऑन द कॉन्ट्ररी होना चाहिए, केस होने के बाद उनको नहीं देना चाहिए। नहीं, उनको रिप्रीव मिल गई ना, उनको एक तरीके से बच गए वो, कि एक तरीके से डील हो गई। क्या डील हो गई? अप्रूवर बन गए, उनको तो रिप्रीव मिल गई। अप्रूवर बनने से तो गुनाह कबूल करना पड़ता है राहुल, कानून का स्टेटस आपको मालूम है। पहले जेल में थे, अब छूट गए? पहले छूट गए थे, बाद में अप्रूवर बने। नहीं, वो तो डील हुई ना इसलिए छूटे। नहीं, डील नहीं हुई है, पहले छूट गए थे वो तो, कब के? इसके 6 महीने बाद अप्रूवर बने शायद। तो जो अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे बहस ऑपोजिशन छेड़ रही है, वो कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा घोटाला है, मोदी जी का घोटाला है। वो कह रहे हैं कि कहते थे कोई घोटाला नहीं, इसमें सारी चीजें निकल के आ गई कि जो केसेस थे वो लोग बीजेपी को फंड कर रहे हैं। अरे भाई, हम मेरी पार्टी को जितना फंड मिला है वो फंड में परसेंटेज निकाल दो केसेस वालों में, और केसेस तो हर व्यक्ति पर चलती है। अब टीएमसी को जो फंड मिला, कोई छोटी अमाउंट नहीं मिली है, हमारी साइज से मिला लो तो 20,000 करोड़ होता है, बीआरएस को 40,000 करोड़ होता है, कांग्रेस का हमसे भी ज्यादा 9,000 करोड़ का होता है, वो किसने दिए हैं? इन पर भी केसेस है। केसेस एक सेपरेट प्रक्रिया है, इलेक्शन फंड एक सेपरेट प्रक्रिया है सर, इसको दोनों को मिक्सअप नहीं करना। एक नागरिक के तौर पर मैं जानना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे फैसले के बाद इस चुनाव की फंडिंग पर क्या असर पड़ा, जिससे पहले फंडिंग हो रही थी? और मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, कैश का चलन बढ़ेगा, बढ़ चुका है, बढ़ेगा, ये तो 31 दिन को सब बैलेंस शीट आएगी तब मालूम पड़ेगा, कैश का चलन बढ़ेगा। और कभी ना कभी सबने सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड अच्छी व्यवस्था थी, इसमें कोई खामियां थी तो उसको सुधारना चाहिए। आगे का सोल्यूशन क्या हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले? ये तो संसद चर्चा करेगी। आप लाओगे कोई नया बिल? नहीं, हम बिल लाएंगे ऐसा मैं नहीं कह रहा, मगर व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। हम इस तरह से कैश से पॉलिटिकल पार्टियों को चलाने के पक्ष के नहीं है। आप बहुत अहम बात बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि आगे चलकर जब सरकार बनेगी तो कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। कुछ अहम नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी का 2014 से वादा है कि राजनीति में से काले धन के प्रभाव को समाप्त करें। और अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स खत्म हुआ तो कोई नई व्यवस्था बनानी पड़ेगी, व्यवस्था सोचनी पड़ेगी, तो ये बनानी पड़ेगी नई व्यवस्था। तुम टाइटल मत ढूंढो, नहीं निकाल पाओगे राहुल भाई, हमारा काम है व्यवस्था बनाना भाई, अगर हम सरकार में है तो हमारा काम है व्यवस्था। सर, रामनवमी के दिन सबने वो बहुत भव्य दृश्य देखा, जिस तरीके से साइंटिस्ट ने पुरोहितों के साथ मिलकर पहली दफा राम मंदिर में आयोजन किया। लेकिन सवाल यह है कि 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तब उस वक्त देश भर में एक खुमार था, एक चरम पे बीजेपी की लोकप्रियता थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या 2024 का बीजेपी का कैंपेन
कुछ हफ्ते पहले पीक करके आपको लगता है कि जैसे आप बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं वोटिंग से जोड़कर, कि आप कैंपेन थोड़ा वक्त से पहले पीक हो गया? ऐसा है राहुल जी, ये मुद्दा तो वो लोग सोचते हैं जिनके लिए राम मंदिर पॉलिटिकल फायदे का मुद्दा हो, हमारे लिए राम मंदिर फेथ का मुद्दा है। हम तो कांग्रेस भी अगर राम मंदिर बनाती, हालांकि ये बनाएंगे नहीं, मगर बनाती तो हम इतने ही खुश होते। जब बनना चाहिए तब बन गया, इसको चुनाव के साथ जोड़ना नहीं चाहिए और ये भारतीय जनता पार्टी की प्रकृति नहीं है। राम मंदिर हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है, राम मंदिर हमारे लिए विश्वास का मुद्दा है। राम मंदिर इस देश की संस्कृति को फिर से एक बार उजागर करने का, मजबूत करने का हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या कोई और विषय खोजकर कैंपेन को पीक पे ले जाने की जरूरत है? आपको लगता है फासला बहुत है, ऐसा आप कुछ स्ट्रेटेजाइज करने की जरूरत नहीं? कैंपेन पीक पर ही है, जनता जल्दी से चुनाव की डेट की राह देख रही है, मोदी जी की पक्ष में वोट डालने के लिए, कमल के निशान पर बटन दबाने के लिए, वो समय की राह देखकर वो कैंपेन पीक पर ही है। हमारे सारे नेता फील्ड में हैं और हर रोज सैकड़ों रैलियां भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। सर, ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि पांच में से एक जो इस वक्त आपने लोकसभा में टिकट दी है वो आपने किसी ऐसे नेता को दी है जो कि बाहर से आया, और आप ही की पार्टी में, आपके सामने कोई बोले ना बोले लेकिन लोगों को ये लगता है यार ये बाहर से ले आती है हमारी लीडरशिप, हम इतने साल से काम कर रहे हैं, एंड पे किसी बाहर वाले को टिकट मिल जाती है? नहीं, अगर ऐसे हो तो हम सुनने की व्यवस्था करेंगे, आपने अच्छा किया हमारा ध्यान दिला दिया। आपको ऐसा हर बार आते ही बाहर से कार्यकर्ता, ऐसा नहीं है। सबसे अहम आपके लिए क्या रहेगा अगले पांच साल में, जो आपकी तमाम आपकी खुद की प्रायोरिटीज हैं? जैसे पिछले आपने बोला कि जम्मू कश्मीर में 370 खत्म हो, वो आपकी प्रायोरिटी थी, आपकी पर्सनल प्रायोरिटी? मैंने कभी ऐसा नहीं कहा, मेरी पार्टी की प्रायोरिटी थी। नहीं, पर आपने उसको मिशन के तौर पे आपने लीड किया। तो मेरा डिपार्टमेंट है तो मुझे करना ही पड़ेगा, मोदी जी का निर्णय है तो मुझे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में चुनाव लौट रहे, उस प्रोस्पेक्ट को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि बीजेपी या बीजेपी? मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में तीनों परिवारवादी पार्टियां कांग्रेस, एनसी और पीडीपी इस बार मुंह की खाएंगे और जनता अपने विकल्प खुद तय कर लेगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर जो आपके विरोधी सवाल उठा रहे हैं, क्या आपको लगता है उससे देश के वोटरों में कहीं ये मंशा क्रिएट होती है कि भाई क्या हो रहा है, बार बार वो सेम चीज बोल रहे हैं? देखिए, एक बहुत पुराने हिटलर के प्रचार मंत्री की थियरी को कांग्रेस अभी भी फॉलो कर रही है। देश का हर वोटर जब किसी भी चिन्ह पर बटन दबाता है, वीवीपैट में वो देख लेता है कि मेरा वोट वहां गया है या नहीं गया है। और मैं कांग्रेस के मित्रों को इतना पूछना चाहता हूं कि अगर मशीन के अंदर कोई खामी है, कोई गलती है, तो आप हिमाचल में कैसे जीते, आप तेलंगाना में कैसे जीते, आप चेन्नई में कैसे जीते, ममता दीदी कैसे बंगाल जीत गई? जब वहां जीत जाते हो तो टप से शपथ ले लेते हो। इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मशीन बहुत अच्छा है भाई, कुछ नहीं बोलना है। और जब हार जाते हो मोदी जी के सामने, तब इलेक्ट्रॉनिक मशीन को एडवांस में ही गाली बोलना शुरू कर देते हो आप। वो कह रहे हैं कि दुनिया भर में ट्रेंड है, जर्मनी हो, अमेरिका हो, जो विकसित देश है वो भी। मगर भारत अभी दुनिया के ट्रेंड से नहीं चल रहा है। हम ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जिसके ट्रेंड पर दुनिया चले। सर, एक और, इनकी तो प्रेरणा ही वही है, वहां के कटिंग लेकर आते हैं, थाईलैंड की फोटो अपने घोषणा पत्र में लगा देते हैं, वहां की झील की फोटो लगा देते हैं। दुनिया में क्या है वो हमारा सच है या नहीं है, इस पर डिस्कशन होना चाहिए। आप इस बहस को बेबुनियाद मानते हैं? ईवीएम बिल्कुल बेबुनियाद। और चुनाव आयोग ने उनको 3 दिन का समय आया था, कोई आकर डेमोन्स्ट्रेट कर जाए, गए नहीं, जाना चाहिए था। सर, एक और सवाल खड़ा किया जा रहा है चीन से हुई घुसपैठ को लेके, कि मोदी सरकार पूरा सच नहीं बताती, पीएलए भारत की सीमा में घुस आया है और सरकार इस मुद्दे को दबाने या देखिए दो बातें समझ लो। पहले तो कांग्रेस को यह मुद्दा उठाने का अधिकार ही नहीं है। जवाहरलाल जी के समय में देश की अनाप शनाप जमीन हजारों हेक्टर में, लाखों हेक्टर में चीन ने हड़प ली, कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कर। एक समय पर तो बाय बाय आसाम कह दिया था वायु प्रवचन में, नेहरू जी ने आसाम छोड़ दिया था।
वो तो अच्छा हुआ समझौता हो गया इंटरनेशनल प्रेशर से, और ये कांग्रेस पार्टी उठा रही है। मोदी जी के नेतृत्व में देश की एक इंच जमीन कोई हड़प नहीं सकता। आप 370 को इतने साल से संभाल कर बैठे थे, आधा अधूरा अनुबंध पकड़ कर रखे थे, हमने इसको पक्का भारत के साथ जोड़ने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के शासन में, नरेंद्र मोदी के शासन में एक इंच जमीन देश की कहीं पर नहीं जा सकती। सर हाल ही में गार्डियन अखबार में एक लेख आया जिसमें कहा गया कि 2020 के बाद 20 ऐसी टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं पाकिस्तान में, जिसमें उनको लग रहा है कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, भारत की जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसका हाथ है कि जो भारत के दुश्मन है पाकिस्तान में, एक के बाद एक कोई आके उनको मार देता है। क्या हो रहा है सर ये? भाई जिसने भी मारा इसमें परेशानी क्या है किसी को? हमें कोई एजेंसी एजेंसी का काम करेगी भाई, हम सब ने इसमें क्यों पढ़ना चाहिए? तुम यार चुनाव का इंटरव्यू कर रहे हो, कहां पाकिस्तान में घुसते हो? गार्डियन के रिपोर्ट से आपको परेशानी तो नहीं है ना? नहीं यार, मैं तो मानता हूँ, अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूँ। बस तो फिर यार कांग्रेस को समझा दो, इतना वो नहीं मानते, अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ सैयद सलाउद्दीन, अब किसने मारा, क्यों मारा, कैसे मारा, क्यों इसमें घुसना है? सर आपने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है वो भारत का अखंड हिस्सा है, क्या आपको लगता है कि वाकई में हम लोगों के जीते जी जम्मू एंड कश्मीर यूनाइट हो सकता है? पूरा मैप जैसा है हमारा वैसा नक्शा बना, अकेला नहीं पूरा देश मानता है, देश की पार्लियामेंट में चार चार बार रिजोल्व किया है, यूएन में हमारी बहुत फर्म स्टैंडिंग है आजादी के समय से कि पूरा जम्मू कश्मीर इंक्लूडिंग पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है, और मैं मानता हूं कि भारत का हिस्सा है, और जब भी हमें समय उचित होगा इस पर लोग काम करेंगे। वो तो रेजोल्यूशन की बात है, मैं जानना चाहता हूं जो आपने आखिर में कहा। नहीं रेजोल्यूशन नहीं, कि आप कुछ करोगे पीओके को जोड़ने के लिए। रेजोल्यूशन नहीं, ये बिलीफ है देश की जनता की। रेजोल्यूशन बहुत छोटा, कुछ करना पड़ेगा ना सर, जैसे आपने 370 हटाया, कुछ पीओके के लिए भी करना पड़ेगा। आप ऐसा मानते हो कि मैं आपको आपके इंटरव्यू में बता दूंगा? मैं तो पूछ सकता हूं। पूछ तो सकते ही हो, मगर यार मेरा भी तो एक असेसमेंट लगाओ राहुल। सर आखिर में ये बताएं कि जो 370 की आप बात कर रहे हैं वो ऑपोजिशन को डिमोरलाइज करने के लिए कर रहे हैं या आपको परिस्थिति वाकई में ऐसी बनती नजर आ रही है? देखो भाई, जब हम पूर्ण बहुमत की सरकार कहते थे, स्थिर सरकार कहते थे, तब भी आपका, आप लोगों का, आपका मतलब पत्रकारों का यही सवाल होता था। जब हम कहते थे हम 300 पार करेंगे, तब भी आपका यही सवाल होता था, आज भी यही है। अब मुझे लगता है 4 जून तक रुक जाओ, काउंटिंग के दिन दोपहर को बात करेंगे। आपका एक बड़ा वादा है कि नक्सलिज्म को खत्म कर देंगे, अभी बहुत बड़ा इनकाउंटर हुआ और जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि कुछ चुनाव से जोड़कर या कुछ गड़बड़ या फेक टाइप का इनकाउंटर, उनको कुछ बू आ रही है कि कुछ गड़बड़ है इसका इनकाउंटर? देखिए इनको सब चीज में बू आती है, और तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में कहा है कि ईश्वर जिसको दंड देना चाहता है सबसे पहले उसकी मति हर लेता है। मुझे लगता है इनकी मति हर ली गई है। अब परिवर्तन देखिए, कांग्रेस के समय में, एक जमाने में, एक तिहाई देश नक्सलिज्म की चपेट में आ गया। पशुपतिनाथ टू तिरुपति कॉरिडोर की बात होती थी। 10 साल में मोदी जी के शासन में और 19 से लेकर अब तक हमने 250 सुरक्षा कैंप बनाए। आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश कंप्लीटली नक्सलिज्म से मुक्त हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में बचा था क्योंकि 5 साल बाद कांग्रेस की सरकार ने हमें ढंग से सहयोग नहीं किया। सरकार बदली, प्रायोरिटी भी बदली और 90 दिन में 86 नक्सलियों को मार गिराया गया है, 250 सरेंडर हुए हैं, 126 अरेस्ट। राहुल जी मैं आपकी चैनल पर बहुत विश्वास के साथ बताना चाहता हूं, देश की जनता मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का आशीर्वाद दे दें, हम 1 या 2 साल में इस देश से नक्सलिज्म को उखाड़ कर देंगे हमेशा के लिए, जैसे एलटीटी खत्म हो गया जी। आपको विश्वास है कि यह हो सकता है? हो गया भाई, बिहार में हो गया, मध्य प्रदेश में हो गया, पर मेन तो छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट मेन नहीं है, वहां पर भी इतना ही था, बुरा पहाड़ पर आज तक कोई नहीं जा पाता था, यही 1 साल में हुआ है, पूरा बिहार यही 2 साल में मुक्त हो गया।
पूरा उड़ीसा भी यही 2 साल में मुक्त हुआ है। इस चुनाव में कौन सी वो एक सीट या एक राज्य है जो आपने प्रतिष्ठा का सवाल बनाया? पिछले चुनाव से पहले जब मैंने पूछा आपने बोला पश्चिम बंगाल, क्या इस बार बारामती वो सीट है जो आपने प्रतिष्ठा का सवाल है? राहुल भाई, चुनाव हमारे लिए प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है, जनता के सामने विनंती लेकर जाना होता है, आशीर्वाद मांगना होता है और विश्वास के साथ मांगना होता है। और मोदी जी ने 10 साल में ऐसा कुछ नहीं किया कि भारतीय जनता पार्टी के एक भी कार्यकर्ता का सर नीचा हो जाए, एक भी भारतीय का सर नीचा हो जाए, उन्नत सर के साथ पूरी दुनिया के सामने जा सके ऐसा शासन चलाया है, देश को सुरक्षित किया, समृद्ध किया, गरीब कल्याण के सारे वादे हमारे पूरे कर दिए हैं और अब देश महान बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं तो बड़ी विनम्रता के साथ सभी सीटों पर जहां एनडीए लड़ रहा है देश की जनता को दो हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मोदी जी को तीसरी बार आशीर्वाद दे दीजिए। हम देश को दुनिया का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र भी बनाएंगे, हम देश को महान भी बनाएंगे और विश्व में हर एक क्षेत्र में भारत सर्वप्रथम। अमित शाह साहब, आपने एक बहुत ही बिजी दिन पर जब आपका रोड शो लगातार चल रहा है आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हम शुक्रगुजार हैं आपके और कई लोग आपका अब इंतजार कर रहे हैं आपके चुनाव क्षेत्र में, तो हम आपका और वक्त नहीं लेंगे, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी।